की दूसरी लहर के बाद आज हरियाणा में पहली बार स्कूल खुले। आज से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। हालांकि आज स्कूलों में विद्यार्थियों की हाजिरी कम रही, लेकिन जो बच्चे स्कूल आए वह काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए। स्कूलों में एक बेंच पर एक बच्चा व मास्क अनिवार्य किया गया है। वहीं 23 जुलाई से कक्षा 5वीं से 8वीं तक स्कूल खोले जाएंगे। ज्ञात रहे कि पिछले साल से लेकर अब तक लगभग स्कूल बंद ही रहे हैं। ये अच्छा हुआ बच्चों के लिए, पढ़ाई रुकी हुई थी, ये बच्चे सीखेंगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छा हुआ। मैं हमने कम पहले स्कूल की साफ सफाई करवाई है, क्लासरूम धुलवाए हैं, सैनिटाइज किए हैं, स्कूल को चार हिस्सों में बांटा है, चार हॉल में अलग अलग बच्चों को कलर दे दिए गए हैं। 6 फीट की दूरी है, बच्चों को अकॉर्डिंग टू SOP ही क्लास में बिठाया गया। 50% स्टेंथ बुलाई, स्क्रीनिंग की गई है सभी बच्चों की, सारे स्टाफ की, सैनिटाइज करके, हैंड सैनिटाइज करके फिर बच्चों को अंदर आने दिया गया है। बिना मास्क के किसी बच्चे को अलाउ नहीं किया गया, प्रोवाइड करवाए गए। जब बच्चे के पास मास्क नहीं था तो उसको मास्क प्रोवाइड करवाया गया। सर हमें स्कूल खुलने से बड़ा खुशी हुई है, और एक दिन दो दिन मतलब 10 दिन से हम तैयारियां कर रहे हैं। 16-7 को स्कूल खुलेंगे, 9 से 12 और 23 से खुलेंगे 6 से 8, तो बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। और 3-4 दिन पहले से ही हमने पूरी स्कूल को सैनिटाइज करवा दिया, धुलवा दिया और बिल्कुल तैयारियां करवा ली, और बहुत अच्छी तरह से जो है हमें बड़ी खुशी हो रही है। पूरे बच्चे नहीं आए जी, हमने जैसे हमारे पास सेक्शन जो है बड़े बड़े सेक्शन है, और एक जैसे 1 के जैसे 7 सेक्शन है, 2 के 7 सेक्शन है, तो 60-60 बच्चे हैं प्रत्येक सेक्शन में। तो हमने 30-30 बच्चों का बुलाया है, 30 बच्चों को 2 कमरों में बिठवाए अलग अलग जो है ना, 15 बच्चे एक सेक्शन क्लास में और 15 बच्चे दूसरी रूम में। आज प्राइवेट स्कूल को प्रतिनिधित्व करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो स्कूल शुरू हुए 107 दिन के बाद स्कूलों में वापस चहल पहल देखी, बच्चे खुश हैं, पेरेंट्स खुश हैं, क्योंकि बच्चों की जो स्वाभाविक सीखने की जगह वो स्कूल होती है। आज बहुत दिनों के बाद जब बच्चे स्कूल में आए तो उनके चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी, और जो टीचर्स हैं उनके भी चेहरे पर आज रौनक थी कि बहुत समय के बाद वो अपना जो स्वाभाविक काम था उसकी तरफ लगे। बेशक ऑनलाइन पर करते रहे, लेकिन रियल क्लासरूम टीचिंग का अपना ही मजा है। हमारे ना फर्स्ट डे से ही क्लास स्टार्ट हो रही है, और हम चाहते हैं हमारे ऐसे ही कंटिन्यू रहे क्लास, और इसलिए रेगुलर क्लासेस लगने की सरकार से यही विनती है हमारी कि रेगुलर क्लासेस ओपन की जाए, और हम सारे COVID-19 के रूल्स भी फॉलो करेंगे सारे के सारे। और ऑनलाइन स्टडी इतनी बढ़िया नहीं होती जितनी फेस टू फेस टीचर पढ़ाते हैं, शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर। हमारे यहाँ पर डिजिटल एक्सरे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल OPG एंड EEG टेस्ट, मेमोग्राफी, कलर डॉपलर, ब्रेस्ट एंड थायराइड अल्ट्रासाउंड और सभी प्रकार के CT स्कैन किए जाते हैं। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर, शिव हंस मॉल के पीछे, मॉडल टाउन, फतेहाबाद।